मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, दहाइयों पुराने अयोध्या की बाबरी मस्जिद मिल्कियत मामला निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। हम सबको इसे पूरे दिल से कबूल करना चाहिए और इसका एहतराम करना चाहिए। ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में इत्तिहाद, हम आहंगी और भाईचारे को मुस्तहकम बनाएं। ये फैसला अदालती तरीक़ेकार में अवाम के यकीन को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के हजारों साल पुराने भाईचारे के जज्बे के मुताबिक हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को अमन और सब्र का सबूत देना है। सौहार्द, एकता मेरे हिंदुस्तान का, मेरे भारत का संस्कार भी है, मेरे भारत की संस्कृति भी है। इस संस्कार और संस्कृति को मजबूत रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, समावेशी जिम्मेदारी है। अयोध्या का फैसला आ गया है, इस फैसले को हमें तहे दिल से स्वीकार भी करना है, उसका सम्मान भी करना है। ये किसी की हार और किसी की जीत के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए। यह एक न्यायिक फैसला है और इस न्यायिक फैसले को हार के हाहाकार और जीत के जुनूनी जश्न से बचाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जो हमारे देश की सदियों पुरानी एकता और सौहार्द की मजबूत विरासत है, उसको हम सब मिलकर के मजबूत करेंगे, उसको किसी भी हाल में, किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देंगे।